आज भी थोड़ी सी चैनल्स की बात करते हैं। और आज का मोटिव है इन रिफाइंड सिलेक्शंस की, क्योंकि डेफिनेटली ये पेन टूल से इतना रिफाइंड सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यकीनन बॉडी सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन हेयर एक्सट्रैक्शन इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, राइट? आपके पास चैनल्स हैं और आपके पास ये भी कॉन्सेप्ट है कि रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल। हो रही है, थैंक यू। चैनल्स में जब भी आप रिफाइन और माइनर सिलेक्शंस की बात करेंगे तो हमें वो चैनल रिक्वायर्ड होता है जिसमें ज्यादा सैचुरेशन, मींस बैकग्राउंड और टारगेटेड सब्जेक्ट, उनमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो, मींस ब्लैक एंड व्हाइट। हमने मास्क को हमेशा देखा है, मास्क हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और आज का टॉपिक भी हमारा चैनल मास्किंग। तो हम चैनल्स की हेल्प से मास्क क्रिएट करें। ग्रीन चैनल को भी देख रहे हैं, ब्लू को भी देख रहे हैं, और ब्लू में हमें बहुत ज्यादा फेड फील दे रहा है, ऐसा। लेकिन ग्रीन में बेहतर है, लेकिन ब्लू में, रेड में, सॉरी, बहुत ज्यादा बेहतर। हमें उसी चैनल की एक कॉपी रिक्वायर्ड है, हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया। आप अपने प्रेजेंट चैनल्स को कभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये पिक्चर खराब हो जाएगी। कोई भी एक चैनल कम होगा, लेट सपोज ग्रीन और रेड ऑन है, और आपका रेड खराब हो गया है, ग्रीन और ब्लू सॉरी ऑन है, तो आपकी कोई ये पिक्चर होगी, जबकि इन एक्चुअल ऐसी पिक्चर है। तो कोई भी चैनल का मिसिंग होना मींस आपकी पिक्चर को खराब करने वाली बात है। इसी वजह से हमने एक न्यू कॉपी दे दी है। अभी हमारा सारा फोकस हमारे टारगेट पे है, यहाँ सारी पेन टूल से सिलेक्शन हो जाएगी, हाथों की हो जाएगी, लोअर बॉडी की हो जाएगी, बट समहाउ वी आर जस्ट लुकिंग हियर इन द सस्पेक्टेड पार्ट। तो हम लेते हैं कंट्रोल एल मींस लेवल, और लेवल्स की हेल्प से हम ब्लैक को मजीद ब्लैक कर रहे हैं, और हम वाइट को, बैकग्राउंड को आई मीन, मजीद वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। Don't care about the hand or the body, just care about the stuff. हमारे मिड टोन्स हमें हेल्प कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अभी हमारी डिटेल्स मिसिंग हो रही है, ये वाली थोड़ी सी, ये वाली भी, सो सच अ बैड आइडिया। यहाँ की तरफ लेके जाएं तो ये बेहतर हो रही है। एक और चीज, अगर मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, अगर हम ज्यादा करेंगे अपने चैनल्स को छेड़छाड़, तो हमारे पास फ्रिंजेस डेवलप होंगे, आई मीन पिक्सल्स डेवलप होना शुरू होंगे, और डेफिनेटली बाल ऐसे पिक्सलेटेड नहीं होंगे। सो आपको बहुत सोच समझ के इन चीजों को छेड़ना है। इवन दो आप इनके आउटपुट लेवल्स के साथ भी प्ले कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। सो हमारा सिर्फ मोटिव है अपने बैकग्राउंड को वाइट करना और अपने टारगेट को ब्लैक से ब्लैक तरीन करना। ओके, लेट्स डू दिस। अगर अब भी हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं है तो हम सिंपली इस चैनल को इन्वर्ट कर लेंगे कंट्रोल आई की हेल्प से।
जो कि अब हमें अच्छा समझाएगा कि हमें ये बाल व्हाइट चाहिए इन एक्चुअल और बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट फ्लिप हो गया क्योंकि हमने इन्वर्ट कर दिया है। अब ट्राई करते हैं कंट्रोल एल और इस बार करते हैं और अब हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड मजीद डार्कर हो रहा है, समहाउ फोरग्राउंड बेहतर हो रहा है। दिस इज नाइस, ये फुल ब्लैक नहीं है। ओके, आपके पास और भी कुछ टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं और इनमें जैसे हम देख लेते हैं नॉट दैट डॉट टूल और बर्न टूल, इनकी एक खासियत समझ लो। सबसे पहले बर्न टूल कभी भी व्हाइट कलर को बर्न नहीं करेगा, सो ही गोना वर्क फॉर अस बट नॉट इन दिस कॉन्सेप्ट। हमें इन्हें इन्वर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल आई करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने बालों को बर्न करना ताकि थोड़ा सा और डार्क हो जाए, या फिर अगर हम इस कॉन्सेप्ट में इनवर्स कॉन्सेप्ट में तो हम अपने बैकग्राउंड को बर्न टूल की हेल्प से बर्न करेंगे ताकि वो ब्लैक की तरफ जाए। लेट्स ट्राई दिस देन। एक्सपोजर आपको खुद सेट करना होगा, ब्रश साइज भी आपको अपनी नीड के हिसाब से देखना होगा। लेट्स ट्राई टू बर्न दिस एरिया। यकीनन जो डिटेल्स हैं वो 100% रिकवर नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ब्रश को भी यूज करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल हेयर्स भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और थोड़ा सा लेवल्स के साथ साथ एडजस्टमेंट्स में जाके, अभी देखो लेवल्स नहीं आ रहे क्योंकि कर्व्स आ रहे हैं, कर्व्स लेके आ रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और कर्व के साथ ये थोड़ा सा एडवांस रोल है। आप बिल्कुल सेंटर में इनको पहले क्लिप कर दो ताकि आप जो भी करो कर्व डिवाइडेड हो, स्प्रेडेड हो। अब हम करते हैं कर्व तो हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो रहा है और अभी ये लाइटर टोन इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, मतलब दे रहा होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। सो ऑल वी कंसर्न अबाउट द बैकग्राउंड एंड वी आर गाइडिंग क्लोजर टू द थिंग। ओके, ऊपर भी देख लेते हैं, मच बेटर। थोड़ा सा बर्न देते हैं और इस एरिया को भी माइनर सा बर्न कर देते हैं, माइनर सा थोड़ा। और बाहर का जो एरिया है इनको कवर अप करने के लिए हम ब्रश टूल ले लेते हैं। मेक श्योर अ फ्यू ब्लैक ब्रश जस्ट टू रैप दिस एरिया, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं इनको। यकीनन उनकी ओपेसिटी बिल्कुल माइनर सी, ताकि यहाँ देख रहे हैं हल्का सा फील है वाइट का और इनको हल्का सा, एक्चुअली यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं देना है मुझे, मुझे यहाँ इम्पैक्ट देना, बिल्कुल माइनर से ब्रश कर रहे हैं ताकि ब्लैक पेंट का हल्का सा इफेक्ट आ जाए और फिर उस ब्लैक पेंट को हम और बर्न कर लेंगे। दिस वे ग्रेजुअली इजी हो जाए। आई गेस वी गॉट इनफ। Once you feel we are done with this stuff, थोड़ा सा यहाँ भी कर लेते हैं brush, full flow, full opacity, just to guide up this stuff, क्योंकि ये pen tool से आ जाएगी और इन्हें भी क्योंकि ये solid है, we don't care about that. अगर हम RGB में जाके देखें तो हमारी पिक्चर स्टिल वही है और हमारे पास एक मास्क रेडी हो चुका है और कुछ भी इम्पैक्ट देने से पहले अपनी पिक्चर की एक कॉपी ले लेते हैं
ताकि बैकअप हो हमारे पास। बैकग्राउंड ऑफ करते हैं, वापस से लास्ट सेशन जो हमने टोपोग्राफी की उसी वे में कंट्रोल प्रेस करके इसी थंबनेल पे क्लिक करेंगे ताकि सिलेक्शन जनरेट हो एंड स्मार्टिंग, और लेयर में जाके मास्क करेंगे। तो रियली वी डोंट केयर अबाउट द पॉसिबल स्टफ, ऑल वी वांट टू जस्ट हैव, हम अपने देखने के लिए एक लेयर ला रहे हैं, क्योंकि इस लेयर में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जैसे कि हम एक डार्क लेयर लेके आते हैं लाइक ब्लैक, जैसे कि व्हाइट कलर, हमें इन व्हाइट को भी थोड़ा सा कॉन्वर्ट करना है, या अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ कोई और कलर लेके आते हैं, इन पे कलर ओवरले कर लेते हैं, और कोई भी कलर डजंट मैटर, देख रहे हो हल्के हल्के व्हाइट फ्रिंजेस आ रहे हैं माइनर्स। हाँ हम ये तो कर सकते हैं एक ट्राई, इन्हीं की एक कॉपी ले लेते हैं और इन कॉपी को स्मार्ट करते हैं ताकि हम इनको इजीली रास्टराइज कर सकें, और लेयर्स में जाके इनको डिफरेंश कर लेते हैं सिंगल वन पिक्सल्स ऐसे, ताकि बस वाइटर टोन जा रहा है। वो व्हाइट व्हाइट पिक्सल्स होते हैं, एक एक पिक्सल्स होता है व्हाइट कलर का, और वो व्हाइट नहीं होता एक्चुअली, जिसे हम कहते हैं एंटी अलाइजिंग, सॉरी अलाइजिंग, एंटी अलाइजिंग वर्सेस अलाइजिंग क्या होता है कि आपके पास नॉर्मल ऐसे रिजिड एजेस होते हैं, लेकिन जब पिक्चर ली हुई होती है ये आपस में कलर बहुत ज्यादा ब्लेंड हुआ हुआ होता है, तो ये पिक्सल्स ब्लेंड होकर डिसॉल्व हो रहे होते हैं। तो जब हमने डिलीट किया था तो ये आउटर एज तो चला गया, लेकिन जो उसका ब्लेंड है ना बीच में बचा हुआ वो रह रहा था। तो हमने जब मैटिंग किया डिफरेंस किया तो वो जो बचा हुआ पार्ट था वो भी चला जाएगा डिफरेंस, तो जो एंटी अलाइज हुआ हुआ था ब्लेंड हुआ हुआ था वो भी एडजस्ट। जब कटिंग करो तो कर सकते well, अपने रिजल्ट्स के लिए हम कंट्रोल जे मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, स्टिल वी हैव द स्टफ, हमने इनको लेके राइट क्लिक करके मर्ज लेयर्स कर दिया। एक बार फिर से आप मैटिंग ट्राई कर लो, मे बी दैट विल वर्क फॉर अस, नहीं इस बार ये गलत means, अब मैटिंग का काम हो चुका है, अब हमें बर्न करना होगा, क्योंकि ये व्हाइट पिक्सल्स हैं, ये क्रिस्टल दिखेंगे, so let's start burning them, और बर्न करने का अच्छा वे आप माइनर माइनर क्लिक एंड ड्रैग करो एंड मेक श्योर यू आर नॉट वर्किंग ऑन द स्किन बिकॉज इट्स गोना बर्न दिस एज वेल, लाइक इनको ऑफ कर रहे हैं, ये तो हमारी थी ये एक पिक्चर जो एक्चुअल थी, अगर स्किन पे आ जाएगा तो स्किन बर्न हो जाएगी, लेकिन बर्न टूल हम अक्सर और बेशतर यूज करते हैं जब हम डिटेल्स दिखा रहे होते हैं, तो हमें बर्न टूल चाहिए होता है, हम बहुत अक्सर और बेशतर बर्न यूज करते हैं, और ऑब्वियस यहाँ नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन करके कर रहे होंगे, लाइक लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दिस। और हमने इतनी कोई सिलेक्शन ले ली जस्ट टू गिव अ टैप अ माइनर टैप थ्री पिक्सल्स फादर कंट्रोल एच कर लेते ताकि ये एंड स्मार्चिंग आपको ना दिखे, हाइड हो जाती है सिलेक्शन है इसका, और फिर माइनर सफर एक टैप क्रिएट करने माइनर कंट्रोल एच वापस दिखेगी आपको। वेल वी डोंट वांट, ये है हमारे पास लेयर है हमारे पास, और अभी हमें थोड़ा सा इन पे पेंट करना डिजिटल पेंट करना। सो पेंट के लिए सबसे इजीएस्ट वे और सबसे नॉर्मल वे, हमने ये दो तीन लेयर्स लेके कॉपी लेके मर्ज किया हुआ है,
कंट्रोल प्रेस करते हैं, सिलेक्शन आ रही है हमारे पास। और इनसे पहले, सिलेक्शन से पहले एक ब्लैंक लेयर लेंगे हम, और आप चाहो ब्लैंक लेयर पे काम करो, आप चाहो मास्क पे काम करो। ब्लैंक लेयर से स्टार्ट करते हैं, हमने सिलेक्शन ली, तो सॉरी सिलेक्शन ली और ब्लैंक लेयर पे जाके ब्रश लेके पॉसिबल कलर जो आपको मिल रहा हो कि भाई इस जगह इस बालों पे कौन सा कलर होगा, आपने कलर ले लिया, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक एंड जस्ट पेंट है ऐसे, टू जस्ट रिस्टोर द डिटेल्स। ऐसे ही सिलेक्शन ली, ऑल्ट प्रेस करके ब्रश में कलर लिया एंड माइनर पेंट करो। लुक वी हैव देम बैक विद अस। ओके यहाँ पे देख रहे हो बाल की डिटेल चली गई ऐसे, ओहो बालों की डिटेल भी तो जा रही है जब पेंट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों भाई ऐसे क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ऐसे यू प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा, हमेशा यानी कि लास्ट सेशन से पहले, कि अगर एक नॉर्मल लेयर पे मास्क लगाएंगे तो वो दिख रहा होगा, लेकिन हमने ये भी देखा ऑल्ट प्रेस करके जब मास्क लगाएंगे तो ये इन्वर्टेड मास्क होगा, चीज होगी छुपी हुई होगी। और फिर इन पे आप ब्रश लोगे, डेफिनेटली व्हाइट ब्रश लोगे, छोटा ब्रश लोगे, कम ओपेसिटी लोगे, लाइट फ्लो होगा आपका, और आप उसी रेस्पेक्टिव एरिया में हल्का हल्का रिकवर कर रहे होगे अपने उन फ्रिंजेस को, उन डिटेल्स को जो आपको चाहिए या चाहिए थी। और फिर फाइनली वंस यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, जस्ट क्लोज द मॉल। इनको लेते हैं, इनकी एक कॉपी ऑब्वियसली ये चाहिए हमें, क्योंकि अभी हम ट्राई कर लेते हैं मैजिक वैंड से सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, ताकि एक सिलेक्शन आ जाए हम देख सकें एक अच्छी सिलेक्शन है। और हमने इन पर मास्क क्रिएट किया, ऑलराइट स्टिल वी हैव हम, नो प्रॉब्लम। मास्क सिलेक्टेड है, ब्रश है आपके पास, ब्लैक मींस नो विजिबिलिटी राइट, तो हमने ब्लैक ब्रश लिया एक्सप्रेस किया स्विच करने के लिए, और हमने इनको छुपा दिया। सॉरी फुल ओपेसिटी एंड फुल फ्लो एज वी जस्ट वॉन्टेड टू हाइड दिस पार्ट, जस्ट दिस पार्ट वन एंड दैट वन एज वेल, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर भी ला रहे हैं, और हमने थोड़ा सा मेहनत करके बैकग्राउंड कलर को रीस्टोर किया है। मेक सेंस? अभी आपके पास आपकी ये पेंटेड डिटेल्स हैं, अगर आप चाहो थोड़ी सी डिटेल्स को और एनहांस करना, एक और कॉपी लें ताकि वो और एनहांस हो जाए, लेकिन ये कभी कभी प्रॉब्लम भी कर जाता है। आपका मास्क, आपकी लेफ्ट ओवर बॉडी, और फाइनली नो डाउट बहुत सारे पर्क्स होते हैं, तो इन सब को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक कन्वर्ट करेंगे हम इन्हें, और इन पे माइनर सा कलर रिटच करो। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है आपके कोर्स आउटलाइन में, एडोबी लाइटरूम, वो आपको मिलेगा, फोटोशॉप से बना हुआ एक्चुअली, तो हम एक कॉपी ले रहे हैं और इनको रास्टराइज कर रहे हैं, और ये सारी इतनी सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैस कर रही हैं, सो इन्हें कंट्रोल जी करके हमने मिसलिनियस लिख दिया ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इनको देते हैं फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, जिसको अलग कर लिया और फोटोग्राफर्स के लिए नाम दे दिया एडोबी लाइट, वो यही है कैमरा रॉ फिल्टर। और अब आप इस पूरे पे, क्योंकि ये एडिटेड है, इस पूरे पिक्चर पे, पूरे पोर्ट्रेट पे माइनर सी कलर करेक्शन करो। एज यू कैन सी एक थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर है, सो लेट्स गिव अ माइनर मोर, थोड़ा सा टेंट सेट कर लो एज यू वांट, सो एक्चुअली इट्स ऑल योर टेस्ट, जितना एक्सपोजर सेट करना हो
आप उतना एक्सपोजर भी सेट करो, कंट्रास्ट सेट करना, आप थोड़ा सा कंट्रास्ट ताकि आपके पास डिटेल्स आना शुरू हो जाए अपने बालों की। और आप हाइलाइट्स को सेट करना चाहो, देख रहे हो बाल कितने ज्यादा आपके एक्सट्रैक्टेड क्लीन होते जा रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा हाइलाइट्स को ऑफ किया हुआ है। इवन हो सकता है आपने मेकओवर किया हुआ तो ये उस पर भी इम्पैक्ट दे, करते हैं बात इस बारे में भी। और शेडोज थोड़े से बढ़ा लिए, व्हाइट्स थोड़े से कम किए, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा है व्हाइट्स के होने का, व्हाइट्स मीन सफेद पिक्सल्स के होने का। और टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ाया ताकि क्लियरिटी आए, डेफिनेटली स्किन में भी क्लियरिटी आ रही है, नो प्रॉब्लम, वी आर हैप्पी, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ाई और थोड़ा सा एक्सपोजर सेट कर लेते हैं। टेक्सचर मीन्स ये जो दिख रहा है आपको, क्लियरिटी इसके अंदर की भी डेप्थ दिखेगी, इतना सब फर्क है, टेक्सचर फील को कहते हैं जस्ट। और हम ओके कर लेते हैं ऐसे, लेकिन वो मेकओवर भी इम्पैक्ट आ रहा होगा, ऐसा ऐसा भी हो रहा होगा, तो अनफॉर्चुनेट मैंने बैकअप नहीं लिया था इसका मेन फोर्स, सो कंट्रोल जी करता है। अब वापस से कंट्रोल जे, और मेकओवर से क्या मकसद था हमारा, लेट्स सपोज एक न्यू ब्लैंक लिया, पेन टूल, वेयर आर यू, और हम थोड़ा सा इनको वाइब्रेंट करते हैं, ये बहुत सिगरेट पी रहे हैं आजकल, इनके वालदा को बताना जाके, और कंट्रोल एंटर। माइनर से फैदर होना चाहिए, और फैदर जब भी दो यानी कि सॉफ्ट करेगा तो पहले अपनी सिलेक्शन को जितना फैदर देने लगे हो टेक्निकली मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रैक्ट करो उसका आधा, लाइक मैंने कहा दो पिक्सल्स छोटा होता है, छोटी हो गई सिलेक्शन, और फिर फैदर एंड लेट्स गो विद 3 and 4 ताकि सॉफ्ट हो जाए, वो स्प्रेड हो तो भाव ना आ जाए। और फिर आपको जैसे भी कलर सेट करना है, लेट्स से आज सुबह का, और हल्का सा ब्लेंड करो टू हैव द इफेक्ट, और जहां आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले आप वहां पर रुक जाओ, ऑब्वियस अभी अच्छे नहीं आए, लाइक दिस इज नाइस व्हाट आई लाइक टू हैव, लेकिन ऐसे नहीं होता। और बिल्कुल डिफरेंट टोन लेने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इनके ऊपर और अलग कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा इनको इरेज करते हैं जो थोड़ा सा स्पेल हो रहा है, लो ओपेसिटी लो फ्लो के साथ। और जब भी ऐसे ब्रशिंग का गेम खेलो तो आपके पास वैकॉम हो तो बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि ये आपके पास प्रेशर हो। और फिर माइनस सॉफ्टली इरेज मल्टीपल टाइम, वी कैन सी द रिजल्ट्स, लेकिन इनको थोड़ा सा और ओपेसिटी दूंगा माइनर सी। अभी क्या होगा, इससे हेल्प क्या होगी, जो बिल्कुल एक रैंडम अलग सा कलर लिया था, कि इन्हीं के ऊपर जैसे हमने कहा कलर ओवरले COV, इन्हीं के ऊपर अगर हम यहाँ से ह्यूमन सैचुरेशन डेवलप करें और इन्हें क्लिप कर दें अपने नीचे वाली लेयर के साथ COV के साथ, तो आप अब जो भी कलर चाहोगे रिस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। एक वाइब्रेंट टोन लेने का मकसद हमेशा ये होगा, वरना आप जो रेस्पेक्टिव कलर लेना चाह रहे हो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन इनसे आपको ज्यादा हेल्प रहती है। वी आर हैप्पी विद हिम। अब इनको लेते हैं राइट क्लिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर आपके स्मार्ट पे भी इम्पैक्ट देगा। सो जाओ फिर से, और मैं ऐसे फेवर नहीं करता कि ऐसा ऐसे करो, थोड़ा सा इस पे और थोड़ी मेहनत कर लो, लाइक
थोड़ा सा इम्पैक्ट दो लाइटनिंग का, सिनेमैटिक लाइटनिंग का। एक लेयर लेते हैं और एक ब्रश लेते हैं, बिग ब्रश, एक थोड़ा सा टेम्पर्ड लाइट लेते हैं और ये हाथों पे इम्पैक्ट देना मेरा मकसद नहीं है, और इनको ब्लेंड करते हैं सिंपली थोड़ी सी ओपेसिटी लो के साथ। डेफिनेटली इनको क्लिप किया जाए ताकि इन्हीं में आए इनका कलर वगैरह। ओपेसिटी और लो होनी चाहिए, माइनर सी। और अब इन्हें, इन्हीं पे मास्क लगाओ, क्योंकि हर चीज की एक सोर्स होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए ताकि मैं इजिली बैक एंड फोर्थ कर सकूँ। फिर से ब्रश लिया और हल्का सा इरेज कर दिया, जस्ट गिव अ फील ऑन द फेस। और फिर से एक और लेयर ले रहे हैं हम, और जहाँ वार्म है वहां डेफिनेटली एक ट्रू टोन होनी चाहिए। और इनको भी मास्क किया यकीनन, इनको भी ब्लेंड किया यकीनन, और थोड़ा सा लो इम्पैक्ट के साथ, टू जस्ट क्रिएट अ रिम लाइन। आप चाहो फाइनली, आप चाह रहे हो भाई ये भी हो नहीं हो, जैसा आपको चाहना है आप वैसा करो, क्योंकि ये आपकी इमेज है, ये आपका वर्क फ्लो है, ये आपका इम्पैक्ट है। आप जो भी ड्रॉ करना चाहो, आप जैसी एडिट करना चाहो। फाइनली अगर नहीं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से, आप ह्यूमन सैचुरेशन में जाओ, ये पीछे आ रहा है, और इनको डी सैचुरेट कर दो। ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको कुछ चाहिए ट्रेंड में, और अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि इन पे पूरी एडिटेड पिक्चर पे कर्व्स ट्राई कर। लेट मी हैव इट राइट हियर, और कर्व्स आ गए। अच्छा, ये वाले कर्व्स का याद होगा हमें, हमने हमेशा डिस्कस किया कि आप मास्क के साथ क्यों लोगे, ताकि आपके पास कंट्रोल हो। वैसे आपके पास यहीं पे इमेज में जाके, सॉरी एडजस्टमेंट्स में जाके मेक श्योर इमेज सिलेक्टेड हो, वो भी रास्टर, और फिर आप यहाँ से कोई भी इम्पैक्ट दे सकते हो, लेकिन वो बाउंस बैक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये ले लेते हैं। और फिर इनको और थोड़ा डार्क तो करो, जरा हल्की सी हमने विंटेज फील दी, माइनस थोड़ी सी। और जब ऐसा कर ही रहे हैं, तो लास्ट पे फिर इनपे हम हल्का सा लेवल्स भी दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा बाय ऑल मीन्स ये डार्क हो और थोड़ा सा लाइट भी हो। अब ये आपकी मर्जी है, आप चाह रहे हो ह्यू सैचुरेशन को ऑफ करना तो आप सिनेमैटिक लाइटनिंग के साथ प्ले कर सकते हो, आप चाह रहे हो ह्यू सैचुरेटेड हो, आई मीन डी सैचुरेटेड हो, आप डी सैचुरेटेड कर सकते हो, या आपकी मर्जी। टील ऑरेंज मुझे दिखाओ कैसा होता है, ताकि मैं बता सकूं। चलो जी चलते हैं। टील जस्ट वन, एक अच्छी एग्जांपल दिखे तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। यू मीन दिस? ओके, जहां ये दोनों भाई हैं, ब्लू की बात कर लेते हैं, या कोई भी हो, ब्लू अच्छा कलर है वैसे। इन्हीं के ऊपर आप लगा दो ह्यूमन सैचुरेशन, जिन्हें क्लिप कर दो ब्लू पे, ताकि ये ब्लू पे इम्पैक्ट दें सिर्फ। और फिर आप अपने कलर को वहां ढूंढो जहां आपको ऑरेंज का इम्पैक्ट मिलना शुरू हो। और डेफिनेटली ये अभी मजा नहीं दे रहा, थोड़ा सा हमें और ऑरेंज ढूंढना होगा। और मुझे ऐसा फील दे रहा है ये सब पे इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि इसके नीचे भी अंडरनीथ और बहुत सारी लेयर है जो क्लिप हुई भी है। तो नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं पसंद आएगा। इनको डिलीट करते हैं, इन्हें भी ऑफ करते हैं, इनके पास चलते हैं, और इजी वे एक और, यहां से आप ले लो सॉलिड कलर, और आपको जैसा चाहिए हो आप वैसा लो,
ब्लेंड ट्राई करो पहले, ताकि आपको ब्लेंड में मिलना शुरू हो जाए। ग्रेडियंट भी ले सकते हो इवन दो, ऑरेंज का मल्टी ग्रेडियंट, लेकिन दिस गोना बी गुड मे बी। और फिर आपने यहाँ मास्क और ब्रश और क्या थोड़ी सी होनी चाहिए इम्पैक्ट वाइट, स्विच नहीं हो रहे, और थोड़ा सा लो पैसे, ताकि मैं वापस ले सकूं। और हल्का सा इन्हीं का ही लेते हैं वापस, ताकि एक रिम लाइट ड्रॉ की जाए स्टील की, और इन्हें बहुत सारा डिटेंगल, ताकि ये सिर्फ एजेस पे इम्पैक्ट। इनके आप से मैं सिर्फ एक रिम क्रिएट कर रहा और फिर इनसे और इनकी ओपेसिटी थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी कम। तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा रिजल्ट पॉइंट, अब मुझे नहीं पता वहां पे क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी हल्का आ रहा है। या आ जाओ एंजॉय करो या ज्यादा, वरना वीडियो में मिल जाएगा। वेल, ये सारे चैनल्स ऑन है, और इस वे में आप जो एडिट करना चाहो कर सकते हैं। है? नहीं आ रहा? खोलो अपने अपने फोटोशॉप, कोई भी पिक्चर निकालो अपनी, अनस्प्लैश से निकाल लो, हेयर फ्लोट हेयर बर्स्ट के नाम से, और फिर उनको जरा एडिट करो और देखो व्हाट यू कैन डू। एक और चीज, चलते चलते इलस्ट्रेटर में चलते हैं, और मुझे जेन में नहीं रहा लास्ट सेशन में जब हम बात कर रहे थे क्लिपिंग की, कि आप एक और ड्रॉ कर सकते हो क्लिपिंग को, बांट जाते हैं पिक्चर लॉक भी कर लेते हैं। हमने एक बात की थी पाथ ड्रॉ करके, राइट? आप चाहो तो आप पाथ के बाद स्टाइलिश टिपोग्राफी भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइक ऐसे कोई भी आप शेप बना लो, जैसे भी शेप्स आपके होंगे, राइट? बात है नहीं? ऐसे कुछ भी हो सकता है। मेक श्योर और ऐसे कर लेता, कोई भी आपका टेक्स्ट होगा आप जो भी लिखना चाहोगे इसमें। सिलेक्शन अच्छी रखना अपने टेक्स्ट की, क्योंकि ये ज्यादा इम्पैक्ट देगा। लाइक ऐसे
आपका जो शेप ड्रॉन है वो ऊपर होना चाहिए। हम एक कॉपी निकाल लेते हैं बैकअप। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो। एक आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल और सी, आई गेस आया नहीं इसमें, खराब आया। ऑब्जेक्ट में जाके एनवलप डिस्टॉर्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ये इसमें इनपुट डाल देगा। लेकिन थोड़ा छोटा करते हैं और थिन करते हैं, क्योंकि ये डाल तो रहा है, इनमें फिट कर रहा है, लेकिन अच्छे वे में नहीं लग रहा। और थोड़ी सी ट्रैक ऐड करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट सी। एक काम करते हैं, करना चाहिए इनको मे बी इस वजह से हो रहा हो, टेढ़ा हो रहा है, वो मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं दे रहा यार, नहीं मजा नहीं दे रहा, बहुत अजब सा है। किसी और शेप पे ट्राई करते हैं। ये अजब सा दिखा रहा है, लेकिन इनको अगर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज करेगा, लेकिन ये मजे का नहीं आ रहा है इनका। आपको चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन होपफुली ये मेरे पास ऐसे हो रहा है, आपके पीसीस में ऐसा ना हो आई हो। तो आप इनको भी ट्राई करो और इनकी हेल्प से थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करके ट्राई करो आपके पास क्या निकल के आ रहा है। लेकिन इस वे में भी आप टिपोग्राफी कर सकते हो। एंड फाइनली जब भी आप अपनी सेटिंग्स वगैरह कर लो, सब कुछ कर लो, तो इनको एक्सपेंड कर दो आप, ताकि आपके पास जो भी आपने ड्रॉ किया होगा ऐसे सब कुछ, उनमें एक कलर्स आपके अपने हो। ऐसे इस वे में तो आपके जो भी शेप्स होंगे वो वैसे ही ड्रॉ कर रहे होंगे आपके टैक्स को। लेट्स ट्राई ऑन द नोज। लुक इस वे में, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा कर रही है, तो इनको रोटेट करके ट्राई कर लेना। ये बिल्कुल एडजस्ट इम्पैक्ट होगा लाइक ऐसे। तो अभी हमें समझ में आ गया, और अब आप इनको लेके और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लो, ताकि आपका सारा शेप कवर हो जाए। ओह थोड़ा सा आउट ही हो, तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। नहीं नहीं वो कम वालों के साथ अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ज्यादा के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। ओके पहले कुछ और आता है, फिर कुछ और आता है, देख रहे हो। थोड़ा सा आपको प्ले करना होगा चीजों के साथ, जैसे ही हो जाएगा आपके रिजल्ट्स खुद निकलते हैं। आप इसे एक्सपेंड करो, कलर दो,
आपकी टोपोग्राफी का तीसरा ऑप्शन भी कवर, ठीक है, ट्राई करो, बताओ।